नीतीश कुमार की बेवफाई का इंतकाम लेने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। इधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। आइए अब जानते हैं बिहार को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है। गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शाह जेडीयू और आरजेडी के गढ़ सीमांचल में रैली कर चुके हैं। बिहार के दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते हैं। वर्तमान में संजय जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बीजेपी को चिराग और कुशवाहा की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो आइए जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने हाल ही में जाति सर्वे का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है। इसी डर से केंद्र जाति जनगणना नहीं करवा रही है। बिहार में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग अगर तेज होती है तो ऐसे में महागठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश करेगी। इसी रणनीति को अचूक करने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 3% से ज्यादा है। वहीं चिराग जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी भी बिहार में 5% है। कुशवाहा और चिराग दावा करते रहे हैं कि अपना वोट किसी भी पार्टी में आसानी से शिफ्ट करा देते हैं। साथ ही चिराग कुशवाहा को साथ रखने के लिए बीजेपी को ज्यादा सीटें भी नहीं देनी पड़ती है। 2014 चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दी थी। चिराग को 6 और कुशवाहा को 3 सीटों पर जीत मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का असर बिहार में लोकसभा की कुल 15 सीटों पर है। इनमें हाजीपुर, उजियारपुर, वैशाली, जमुई, काराकाट, बांका और समस्तीपुर प्रमुख है। इसके अलावा मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जैसे जिले भी इनका असर है। आप सभी के इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।